प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने 1,61,000 गरीबों को शहरी क्षेत्र में आवास उपलब्ध करवाने के कार्य उपलब्ध किए हैं और हम लोगों का प्रयास है कि 5,60,000 के इस लक्ष्य को हम पूरा करते हुए पूरे प्रदेश के अंदर नगर निकाय क्षेत्रों में जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना आवास नहीं, उन सभी गरीबों को आवास, सिर ढकने के लिए आवास देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपये उपलब्ध करा रहे हैं तो शहरी क्षेत्र में यह राशि 2,50,000 की हो जाती है। 2,50,000 में 1,50,000 रुपये भारत सरकार दे रही है और 1,00,000 रुपये प्रदेश सरकार दे रही है। ये पैसा सीधे लाभार्थी को देने की जहां व्यवस्था है वहीं पर हम लोगों ने अफोर्डेबल आवासीय योजना को भी प्रदेश के अंदर लागू करने का निर्णय लिया है जिससे कोई गरीब आवास से वंचित न रहने पाए और प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के अंदर हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध कराया जा सके। भाइयों बहनों, एक बड़ा लक्ष्य है लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें नगरीय क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी का वोट चाहिए क्योंकि बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई सकारात्मक सोच का, रचनात्मक सोच का बोर्ड बने और उस बोर्ड के बनाने के लिए हम सब आपके बीच आए हैं अपील करने के लिए कि विकास होगा, जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में लोग बसे हैं, उनके पास विद्युत का कनेक्शन नहीं। पिछले 7 महीनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20,00,000 लोगों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए। ये विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उन गरीबों के घरों में विद्युत पहुंचाने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर 60,00,000 परिवारों को हम लोग अब तक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवा चुके हैं। विकास की प्रक्रिया इस तरीके से आगे बढ़ेगी और इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं कि विकास के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो कार्य योजना तैयार की है, हम शहर में जाते हैं जनता बुनियादी सुविधाओं से तबाह है तो शहर में आने वाला व्यक्ति परेशान होता है, कहीं पर छुट्टा गौवंश के कारण और कहीं पर ठेला पटरी व्यवसायी के कारण, कहीं गुमटी रखी है, कहीं रेड़ी रखी गई है, कहीं पर कोई अन्य पूरे अतिक्रमण के कारण पूरा शहर तबाह है, ट्रैफिक दिन भर जाम रहता है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था की है, एक फेरी नीति हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तैयार की है और इस फेरी नीति के अंतर्गत हम उजाड़ेंगे किसी को नहीं लेकिन सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे, पटरी व्यवसायियों को, ठेला खोमचा रेड़ी रखने वाले उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करके उनकी आजीविका पर भी आंच नहीं आने दी जाएगी। इस विश्वास के साथ हम लोग प्रदेश के अंदर एक नई फेरी नीति के साथ आए हैं। आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि भाइयों बहनों, विकास का पैसा समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसका लाभ उस तक पहुंचना ही चाहिए। हर जनपद में एक नगर निकाय को हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर निकाय के रूप में आदर्श नगर निकाय बनाने की कार्य योजना पर कार्य कर रहे हैं तो साथ ही साथ हर नगर निकाय में भी वार्डों का चयन हम इसी आधार पर करने जा रहे हैं जहां पर समग्र सुविधाएं एक साथ उपलब्ध कराई जा सके और इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए एक अच्छा रचनात्मक सोच का बोर्ड, सकारात्मक सोच का बोर्ड बनना चाहिए। घर डोर टू डोर कूड़ा निस्तारण हो सके, ये गंदगी हमारी पहचान पर एक कलंक लगाती है और इसीलिए आवश्यक है स्वच्छता के प्रति हम विशेष अभियान हमारे नगर निकाय की इकाइयों के द्वारा प्रारंभ हो। इसके लिए हमें बोर्ड चाहिए, पूर्ण बहुमत का भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड जो भारत की सरकार से मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे का, प्रदेश की सरकार के द्वारा भेजे गए पैसे का सही सदुपयोग करके आम जनता को उसका लाभ दिला सके और इसके लिए आज हम सब आपके बीच उपस्थित हुए हैं कि भाइयों बहनों,
विकास की योजनाओं का लाभ आम जनमानस को मिले। जहां एक और योजना महत्वपूर्ण है, वहीं साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट, आप नगर निकाय इकाइयों में जाइए, सफाई नहीं होती थी क्योंकि पिछली सरकारों में सफाई का ठेका नगर विकास मंत्रालय और नगर विकास मंत्री अपने आवास से उपलब्ध कराते थे। ठेके लखनऊ से जब बांटे जाएंगे तो ये नगर निकाय इकाइयों की संप्रभुता पर भी एक प्रकार का धक्का है, एक प्रकार से उनकी संप्रभुता पर चोट है और लगातार इस प्रकार का प्रहार पिछली सरकारें करती रही। नगर निकाय इकाइयों में स्ट्रीट लाइट आधी जलती थी, आधी बंद रहती थी, विद्युत की आपूर्ति नहीं होती थी। आपने देखा होगा, हम लोग जब सत्ता में आए तो सत्ता में आने के बाद मैंने उस समय पूज्य संतों से अयोध्या बातचीत की, क्योंकि उसके तत्काल बाद रामनवमी का पर्व आ रहा था। यहां के विधायक और यहां के सांसद जी जब मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि रामनवमी है, रामनवमी में कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने कहा कि विशेष व्यवस्था भी सफल स्पूर्त भाव के साथ होनी चाहिए, इसमें बोलने की बात क्या। उन्होंने कहा नहीं, अयोध्या में बिजली 2-3 घंटे आती है। हम लोगों ने कहा 2-3 घंटे नहीं, अयोध्या में अब 24 घंटे बिजली आएगी और 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हम लोगों ने अयोध्या में कराया। और जब नगर निगम बनेगा, अयोध्या फैजाबाद 24 घंटे विद्युत के माध्यम से जगमगाता हुआ दिखाई देगा। ये बिजली पहले तो आती नहीं थी, और जब आती थी तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि कब चली जाती है। ये स्थिति थी पिछली सरकारों में, लेकिन आज तो बिजली दिखाई दे रही है सरकार के कारण। हमारी सरकार ने व्यवस्था बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया, और अब हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं स्ट्रीट लाइट का। हम लोगों ने तय किया है पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी स्ट्रीट लाइट है, इसको हम एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलेंगे। अब स्ट्रीट लाइट दिन में नहीं चलती भी दिखाई देंगी, ये स्ट्रीट लाइट रात्रि को जलेंगी, दिन में नहीं जलेंगी, रात्रि में रोशनी देंगी। पहले ये स्ट्रीट लाइट दिन में तो जलती थी, लेकिन जब अंधेरा होता था ये स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती थी। सपा और बसपा की सरकार का ये विकास था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये स्ट्रीट लाइट रात्रि में जलेंगी। एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएंगे तो बड़े पैमाने पर विद्युत की बचत होगी। ये जो लाइट बदली जाएंगी स्ट्रीट लाइट, इसके लिए नगर निकाय को और प्रदेश सरकार को कोई पैसा नहीं देना है। ये पैसा भारत सरकार का उपक्रम है ईएसएल, वही लगाएगी, कोई अतिरिक्त बिल नहीं देना है। जो बिजली की बचत में पैसा बचेगा उसी से वे लोग अपना खर्चा निकालेंगे, और उसी खर्चे से 7 वर्ष तक उसका मेंटेनेंस का कार्य भी करेंगे। और जब ये एलईडी स्ट्रीट लाइट चलेंगे, पूरी एक समरसता होगी और नए नए रूप में दीपावली आप अयोध्या के अंदर, फैजाबाद के अंदर प्रतिदिन आपको नगर निकाय इकाइयों में, इन सभी नगर निकाय इकाइयों में, चाहे वह रुधौली हो, चाहे वह गुसाईगंज हो, चाहे वह भदरसा हो, चाहे वह बीकापुर हो, इन सब में भी आपको यह इसी प्रकार से लाइट की सुविधा प्राप्त होगी। भाइयों बहनों, इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास। आप सब जानते हैं, जब मैं अयोध्या आता हूं तो सपा बसपा के लोगों को बुरा लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई करंट इनके शरीर पे छू रहा है। अयोध्या के नाम से बहुत सारे लोगों को चिढ़ होती है, लेकिन अयोध्या हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है, और देश और दुनिया में अयोध्या सचमुच जो सम्मान अयोध्या को मिलना चाहिए था, अयोध्या को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, पिछली प्रदेश सरकारों ने बड़ी उपेक्षा की है। भाइयों बहनों, जो आपकी पहचान पर संकट खड़ा कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपकी पहचान को छुपाने का प्रयास किया हो, और जिन लोगों ने सदैव आपकी पहचान के साथ भेदभाव किया हो, ऐसे लोगों को कभी माफ किए जाने की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए हम आपके पास आए हैं, अयोध्या को उसका गौरव मिलना ही चाहिए।
और इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम अयोध्या को भी और मथुरा को भी हम लोग नगर निगम के रूप में मान्यता देंगे, और मान्यता देने के साथ साथ हम लोग आज चुनाव में आपके पास आए हैं। यहां का विकास भी इसी रूप में होना चाहिए, अयोध्या का विकास अयोध्या के अनुरूप हो। ये सामने हमारे पूज्य संतगण बैठे हुए हैं, ये बराबर कहते थे, उपेक्षा से परेशान होते थे, सड़क नहीं, सफाई नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, घाटों की सफाई नहीं, अयोध्या के साथ पूरे देश और दुनिया दीपावली मनाती है। ये दीपावली अयोध्या ने देश और दुनिया को दिया, लेकिन अयोध्या से ही वो समाप्त हो गया था। इसलिए हमारी पूरी सरकार आई थी, पूरी सरकार ने अयोध्या में दीपावली का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, और हम लोगों ने कहा कि अयोध्या ने दिया है तो अयोध्या से एक बार पुनः दीपावली का पर्व एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। हम लोग इसी दिन से अयोध्या आए थे, 137 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किए हैं, और मानकर के चलिए कि इससे ज्यादा की योजनाएं चुनाव के बाद अयोध्या में आने वाली हैं, क्योंकि इसके बाद अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय पहचान और उसके अनुरूप उसका विकास हो। दुनिया में हम जाते हैं, लोग अयोध्या को मंदिरों के शहर के रूप में मानते हैं, लेकिन मंदिरों के शहर में सफाई भी हो, अच्छी सड़कें हो, पेयजल की जगह जगह व्यवस्था हो, उचित प्रसादन की व्यवस्था हो, सरयू मैया की आरती भी होती रहे और साथ साथ घाटों की सफाई भी होती रहे, सरयू मैया में कोई गंदगी न गिरे, इसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। पूरी योजना के साथ हम लोग आपके पास आए हैं। इसलिए भाइयों, एक अवसर है आपके पास, प्रदेश से मिलने वाला पैसा अयोध्या को जगमगा सके, दीपावली की तरह आपकी अयोध्या दिखाई दे, अयोध्या नगर निगम में आते लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आए कि अयोध्या है। इस अयोध्या के लिए आप सब भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाइए, विकास जनता तक पहुंचना चाहिए, यह लक्ष्य होना चाहिए, और इस दिशा से हम सब आपके पास आए हैं। हम लोगों ने तय किया है कि जितना आवारा गोवंश है, फालतू है, सड़कों पे घूमता है, हर नगर निगम की मदद से प्रत्येक नगर निगम में पहले चरण में हम लोग एक एक बड़ी बड़ी गौशाला खोलेंगे, जिन गौशालाओं के माध्यम से हम इस प्रकार के जो फालतू गोवंश सड़कों पर घूम रहा है, इसके संरक्षण की व्यवस्था, इसके संवर्धन की व्यवस्था, इसके पालन की व्यवस्था भी करेंगे, इसकी रक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। सड़कों पर गौ माता को पॉलिथीन और कूड़ा खाने के लिए छोड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। हर नगर निगम में पहले से इसके लिए व्यवस्थाएं प्रारंभ हो गई हैं, और वृहद स्तर पर इस कार्य योजना को हम लोग अमली जामा पहनाने का कार्य करने जा रहे हैं। और इसलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं कि नगर निगम का ये चुनाव प्रदेश और केंद्र की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की दृष्टि से हमें एक माध्यम चाहिए, और इस दृष्टि से मैं अपील करूंगा, पूरा बोर्ड बनाइए जिससे वो बोर्ड निर्णय ले सके, विकास कर सके, लूट खसोट रोक सके, भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगा सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी ने अभी कहा भी कि केवल चुनाव तक ही हम लोग लेकर के नहीं आए हैं, हम लोग जो संकल्प पत्र जारी किए हैं, ये संकल्प पत्र इस बात को कि चुनाव के बाद इसके अनुरूप कार्य होगा, निगरानी सरकार भी करेगी, निगरानी संगठन भी करेगा, और अगर कोई उससे इतर जाकर के गलत कार्य करने का प्रयास करेगा तो सरकार और संगठन दोनों का डंडा हमेशा तैयार रहेगा। इसलिए भाइयों, एक बार आप सबसे अपील है, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने श्री ऋषिकेश उपाध्याय को अपना प्रत्याशी बनाया है मेयर के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, विद्यार्थी जीवन से इस विचार परिवार के साथ जुड़े रहे, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के साथ कार्य करते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ संगठन के साथ सेवा करते हुए इन्होंने कार्य किया,
और मैं धन्यवाद दूंगा महंत राजू दास जी को और उनके साथ सभी सहयोगी संतों को जिन्होंने ऋषिकेश उपाध्याय को इस अवसर पर अपना आशीर्वाद और अपना समर्थन भी दिया है। मैं इन पूज्य संतों से अनुरोध करूंगा कि अयोध्या की पहचान आप सबसे है और आप सबकी पहचान अयोध्या से है। अयोध्या नगर निगम के लिए पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में घर घर जाकर के लोगों से मतदान की अपील करिए, पूर्ण बहुमत का बोर्ड गठित करिए। इसलिए श्री ऋषिकेश उपाध्याय के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को चुनाव जिता करके एक पूर्ण बहुमत का बोर्ड अयोध्या नगर निगम के अंदर बनाने का कार्य आप सब करेंगे। इस पवित्र पुरी में, प्रथम पुरी है अयोध्या, इस पवित्र पुरी के अंदर एक विकास परक बोर्ड गठित करने में आप अपना योगदान दें। नगर पालिका परिषद रुधौली में श्री अशोक कुमार कसोदन को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों, रुधौली नगर पालिका परिषद एक बड़ी पालिका परिषद है, बड़ी भूमिका होगी। इसमें श्री अशोक कुमार कसोदन के नेतृत्व में आप इस कार्य को पूर्ण बहुमत के साथ बोर्ड गठित करने में सहयोग करें। नगर पंचायत गुसाईगंज में श्री प्रदीप, नगर पंचायत भदरसा में श्रीमती निशा देवी और नगर पंचायत बीकापुर में श्री राकेश कुमार पांडे को आप इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत का बोर्ड गठित करने में अपना योगदान दें। यही अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। माता की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करता हूं फैजाबाद जनपद के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अवधेश पांडे बादल जी से कि आवे और आए हुए अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। आदरणीय अध्यक्ष, आज इस विशाल जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसे उत्तर प्रदेश की उम्मीद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, हम सबके संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, प्रभारी नगर निगम श्री हरिद्वार दुबे जी, सह प्रभारी नगर निगम श्री महेश्वर श्रीवास्तव जी, अपने क्षेत्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय ब्रज बहादुर जी, जिला प्रभारी आदरणीय सुधीर कुमार सिंह सिद्धू जी, सांसद यशस्वी सांसद फैजाबाद आदरणीय लल्लू सिंह जी, विधायक अयोध्या माननीय वेद प्रकाश गुप्त जी, विधायक रुदौली माननीय रामचंद्र यादव जी, विधायक मिल्कीपुर बाबा गोरखनाथ जी, विधायक बीकापुर शोभा सिंह चौहान जी, विधायक गोसाईगंज इंद्र प्रताप तिवारी जी, इस नगर निगम के समन्वयक आदरणीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी, समन्वयक श्री प्रकाश कुमार गुप्त जी,